नेपाल अपने 100 रुपए के नोट पर अवैध नक्शा छाप रहा है, जिसमें भारत के 3 इलाकों को वो अपना कह रहा है। माना जा रहा है कि 100 रुपए के नोट पर नेपाल की ये नक्शेबाजी असल में चाइनीज प्लानिंग का हिस्सा है। इस नोट में बने नक्शे में भारत के लिपुलेख, लिपियाधुरा और कालापानी क्षेत्र के नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। हैरानी की बात यह है कि नेपाल ने 100 रुपए मूल्य वाले नोटों की छपाई का काम चीन की कंपनी चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन को सौंपा है। यानी नोट वाली इस साजिश का ब्लूप्रिंट भले ही नेपाल से रिलीज किया गया है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट बीजिंग में लिखी गई है। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये अभी नेपाल का 100 का नोट है। यहाँ पे आगे आपको दिखेगा कि इधर बीच में नेपाल का ये मैप यहाँ पे प्रिंट है। ये पुराना नेपाल का नोट है और अभी जो नया नोट आएगा उसमें लिपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख रीजन भी छापा जाएगा। वो नया पॉलिटिकल मैप है नेपाल का। माना जा रहा है कि चीन के इशारे पर ही नेपाल ने वो नक्शा 100 रुपए के नोट पर छापा है, जिसमें लिपुलेख समेत भारत के 3 इलाके अपने दिखाए गए हैं। लेकिन नेपाल ये भूल गया है कि सिर्फ लिख देने से या विस्तारवादी नोट पर छाप देने से भारत का कोई इलाका उसका नहीं हो जाएगा। भारत ने पहले भी नेपाल की नक्शेबाजी पर अपना विरोध जताया था और इस बार भी नेपाल को नक्शेबाजी महंगी पड़ सकती है। Z News.